नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपने सुना होगा लालू यादव के जिन का नाम। जी हां, उसी जिन की बदौलत लालू यादव बिहार पर 15 सालों तक लगातार सत्ता में बने रहे। अब तेजस्वी यादव उसी जिन के जरिए सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अभी मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता, इनसे बात करते हैं कि क्या कैसे रोकेंगे लालू यादव को जिन को। लालू यादव तो जिन निकालते रहे 15 साल, अब उनके बेटे तेजस्वी यादव भी उसी जिन के सहारे बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं। 15 साल वो जिन निकाले, उसके बाद 15 साल के बाद तो जिन 15 साल निकला नहीं है। अभी जब पिताजी जब नहीं निकाल पाए 15 साल, तो बेटा कहाँ से निकालेंगे। और वो जो जिन निकालते थे, आज जिन वो जितने भी गरीब गुरबा लोग थे, आज एनडीए के साथ लोग हैं। इसलिए जिन जो निकलेगा वो विकास का जिन निकलेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहेगा जी। लेकिन अभी जो आरजेडी ने आरक्षण का प्रावधान किया है पार्टी के अंदर, सारे यादव जिला अध्यक्ष हटा दिए गए, दलित अति पिछड़ा अध्यक्ष बना दिए गए, तो आपको नहीं लगता है कि चुनौती बनेगी। नहीं, उससे जिन से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में भी देखेंगे तो सब समाज का समाज है। यादव भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, दलित भी हैं, अपर कास्ट के भी लोग हैं, सब समाज के लोग हैं। इसलिए ये कहना कि संगठन में सब पहली बार दिए हैं, तो जनता को तो पहले विश्वास करना होगा कि जिला अध्यक्ष सही बनाया है कि चुनाव तक दूसरे को हटा देगा, फिर दूसरे समाज को बैठा देगा। हमने तो जो आप बैठाया है वो 3 साल तक काम करेगा, और उनका जो अध्यक्ष है वो तो लालू यादव के गुस्से में आ। असल तो वहाँ दो बात है ना, वहाँ दो नेता दो अध्यक्ष, एक है तेजस्वी और दूसरे हैं तेज प्रताप। एक के अध्यक्ष हैं रघुवंश बाबू, एक के अध्यक्ष हैं जगता बाबू। तो दोनों में अध्यक्ष में टकराहट होगी, दोनों नेताओं में टकराहट होगी, तो कौन अध्यक्ष किसको हटाने के प्रयास करेंगे नेता। इसलिए उनके अध्यक्ष के बनाए हुए अध्यक्ष कब हटेंगे वो अध्यक्ष भी नहीं जानता है कि सुबह उठेंगे तो हो सकता है कि प्रेस में हमको हटाकर दूसरे को अध्यक्ष बना दिया जाए। अभी जो जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी होने वाली थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि तेज प्रताप के लोग उसमें नहीं थे, उन्होंने लालू यादव से मिलकर के उस लिस्ट को रुकवा दिया। मैंने आपसे कहा कि दो अध्यक्ष बोला ना, दो नेता, एक अध्यक्ष एक नेता रहेगा तब ना लिस्ट जारी होगा। तो दोनों अध्यक्ष को पहले सहमत करना होगा, दोनों नेताओं को सहमति बनेगी, तब तो लालू प्रसाद यादव साइन करेंगे। नहीं तो घर में दो बेटा है तो दोनों बेटे उनके प्यारे होंगे, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कुछ आरजेडी कर ले उसका कुछ नहीं होने वाला बिहार के अंदर। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और 200 प्लस आएगा, चाहे जिसको अध्यक्ष बनाए जिसको जो बनाना बना ले। बिहार में एनडीए सरकार कैसे बनेगी, कहीं आपको बन नहीं रही है। झारखंड में नहीं बनी, दिल्ली में नहीं बन रहती हुई दिख रही है, महाराष्ट्र में आप हार गए, कहाँ कहाँ गिनाऊ में। महाराष्ट्र में नहीं हारे, महाराष्ट्र में नहीं हारे, ये कैसे कहते हैं। तो नहीं बना, नहीं सरकार नहीं बनाना अलग विषय है, बाकी जिस गठबंधन में हम चुनाव लड़े वो स्पष्ट बहुमत में आए। हो सकता है कि गठबंधन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया वो दूसरे के साथ। ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिहार में है। नहीं, बिहार में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिहार में नेता तय है कि नीतीश कुमार होंगे, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, एकदम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, एनडीए, जनता दल यू तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार के चेहरे का कितना फायदा मिल रहा है एनडीए के आज के तारीख में? 15 साल से तो मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास। बिहार के जनता को विश्वास है कि नीतीश कुमार एक साफ सुथरा चेहरा है, ये जब मुख्यमंत्री हैं तब तक बिहार का विकास होगा, ये बिहार की जनता को विश्वास है। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं का दावा है कि जब तक नीतीश कुमार का चेहरा आगे है उनको शिकस्त देना तेजस्वी और तेज प्रताप के बूते की बात नहीं है, और ये पूरी तरह से उम्मीद पाले हुए हैं कि 2020 के चुनाव में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।